मम्मी ना के साथ में हो गया, फिर सुहानी के साथ में, आपने देखा होगा लगातार सुहानी के साथ में हुआ, फिर मम्मी के साथ में हो गया, फिर कुछ दिन बाद पापा के साथ में हो जाता है। ऐसा पता नहीं क्यों होता रहता है, हम बड़े कंफ्यूजन में जी रहे कि भाई हो क्या रहा है पूरे घर में। और हम लोग जाते हैं डॉक्टर के पास, जाते हैं भैया लोग को दिखाते हैं कि भाई हुआ क्या है, जांच वगैरह करवाते हैं, तो वो सीधे बोलते हैं कि कुछ नहीं हुआ है, शरीर में थोड़ा सा दर्द है, बीमारी का कोई पता ही नहीं चलता। तो हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, कैसे आप लोग, ऐसा करते बहुत ही अच्छे होंगे। गाइस आज का एक बैड न्यूज है, बैड न्यूज ये है कि हमारा एक छोटा सा मुर्गी जो है उसका पैर में प्रॉब्लम हो गया, दोनों का दोनों पैर जो है काम ही नहीं कर रहा है। ऐसा क्यों हुआ है, ठंडी की वजह से हुआ है या फिर कोई प्रॉब्लम हो गया, आप लोग जरा कमेंट करके बताओ। हालांकि पापा जो इसका इलाज कर रहे हैं, अभी थोड़ा गर्म गर्म तेल लगा देंगे तो काम करना शुरू हो जाएगा, देखते कोशिश कर रहे हैं। बाकी तोता सही है अभी, और यहाँ पे हमारा प्यारा सा खरगोश, इधर पूरा घर को मम्मी जी साफ सफाई कर दी, इधर आपके प्यारे। गुड मॉर्निंग, आप लोग कैसे हो, क्या बन रहा है खाने में, क्या बन रहा है, चावल दाल, खूब हंसी आ रहा है इसको मॉर्निंग के टाइम में। अब जस्ट नहावा के बड़े तरीके से फ्रेश हो गए, वीडियो का भी एडिटिंग भी कंप्लीट नहीं हुआ, वो भी करना है, पापा जी अपना काम में लगे, छठ पूजा का जो है गेहूँ जो पिसाया जाएगा जिससे ठेकुआ वगैरह बनेंगे ना पापा, उसी के लिए जो स्पेशल बना है। चल पापा जी से आशीर्वाद लेते हैं, गुड मॉर्निंग बोल दीजिए पापा। गुड मॉर्निंग बच्चों, हमें मॉर्निंग में ही उठना था, मॉर्निंग में उठने का कारण यह था कि हमें रील शूट करना था यहाँ पे, लेकिन अब धूप हो गया, धूप की वजह से रील शूट नहीं हो पाएगा। हालांकि आज हमारी खुशबू दीदी आने वाली है तो उससे भी मिल पाएंगे आप लोगों को, यहाँ नहीं आएगी। हमारा जो गांव पड़ता है वहाँ पे गंगा स्नान होता है, बहुत बड़ा नदी है जैसा कि आप लोगों ने देखा, छठ पूजा में भी देखने को मिलेगा ही, वैसे देख ही चुके हो आप लोग, तो काफ़ी दूर दूर से लोग आते हैं नहाने के लिए यहाँ पे, स्नान करने के लिए, क्योंकि ये पवित्र स्थल है। एक इमोशनली एक्ट को हमने शूट किया इधर, हमारी प्यारी सी मम्मी, मम्मी पापा दोनों मिलकर के साथ दिए, फिर मम्मी जी का आशीर्वाद ले लेते हैं, और मम्मी जा रही दीदी के यहाँ। कहाँ जा रहे, गुड मॉर्निंग बोल दो सबको। गुड मॉर्निंग, जितना देख रहे हैं मेरे बेटा बेटी, मेरे भाई बहन, मम्मी की तरफ से आशीर्वाद है सुबह के पहर, मम्मी गंगा नहा करके आए है, गहूँ कूटे है पर्व का, गहूँ पसारे है, अब आप तुम्हारी छोटकी बहन आए हैं गंगा नहाने के लिए, उसको से भेंट करेंगे अभी और जमाए बाबू से, तो फिर घर लौटेंगे। यह हमारा घर का दाल देसी जुगाड़ से बनाया जाता है, इधर आपकी प्यारी बहन सुहानी बढ़िया से घाट रही है, दाल चावल चोखा बनेगा है सुहानी। अभी देख सकते हो आप लोग, मम्मी जी जो है लेकर आ चुके हैं बिस्कुट, और यहाँ देखे चनाचूर इतना सारा, कौन दिया है मम्मी, खुशबू दीदी आया था गंगा नहाने के लिए, आई थी क्या है, तो और यहाँ पे देखिए बादाम पट्टी भी ली है दीदी, बहुत ही अच्छी है, और यहाँ पे देखिए बिस्किट और चनाचूर है, हाँ भैया उधर वीडियो एडिटिंग कर रहे हैं, और यहाँ पे देखो मम्मी लेकर आई है बहुत सारा चीज, हम लोग बहुत सारा खाएंगे, और वहाँ पे देखो गाँव सूख रहा है, वहाँ पे पप्पा है, इधर आपकी प्यारी बहन खुशबू दीदी यानी हमारी बड़ी दीदी है, वो भेजी है दाल मोट, भेजी है नमकीन, भेजी है बिस्किट, भेजी है ये होता है बहन का प्यार, बादाम पट्टी भेजी है, तीनों को हम फाड़ के खा रहे थे, खा रहे सबको खिला दो, सबके बहन है, सब देख रहे हैं सबको बहन है, जी जी आप लोग भी खा लीजिए आकर के। तो गाइस वीडियो को अपलोडिंग पे भी लगा दिए हैं, देखो दिन के कितने एक बजने वाले हैं, अब जाके वीडियो का एडिटिंग हमने कंप्लीट किया, क्योंकि रात से हमने वीडियो का एडिटिंग किया है, तो आधा हुआ था आधा बचा हुआ, तो इसको चार्ज में भी लगा दिए क्योंकि बैटरी भी डाउन था, और कॉल पे भी लगे, कॉल पे लगाने से ये होता है ना कि जल्दी जल्दी फास्ट अपलोड हो जाता है, ऐसा सीन हो जाता है, तो चलो इसको अपलोड पे लगा के छोड़ देते हैं, और अभी आप लोग को दिखा देते हैं। आप लोग यकीन नहीं करोगे, जो क्रिएटर हैं, जो ब्लॉगर बनना चाहते हैं, खाना वैसे निकाल करके रखा हुआ, मम्मी पापा को हमने बोला खा लीजिए जब तक व्लॉग वगैरह हम अपलोड नहीं कर लेंगे बढ़िया से, क्योंकि 3:39 में हमारा डेली व्लॉग आता है, खाना सब कुछ वैसे रखा हुआ है। इधर पापा जी वेट कर रहे हैं कि कोई चिड़िया उड़िया आकर के गेहूं को ना खा जाए, क्योंकि छठ मैया के पूजा के लिए जो है उसको तैयार किया जा रहा है, सुखाया जा रहा है, उसका आटा वगैरह बना जाएगा। पापा चलिए ना केला काटने में, बोलिए सुहानी को हम बुला दीजिए, चलिए आइए, अभी जाना है केरा काटने के लिए। लगी कहाँ रखे हैं आप, अच्छा यहाँ नहीं रखे ना, सुहानी का तबीयत ठीक नहीं, तुम आराम करो, ठीक आराम करो, मम्मी तुम चलो। लगे किस तरीके से पापा नीचे उतारते हैं, छोड़िए छोड़िए उसको छोड़िए, आइए चलो भाई चलते हैं अपना खेत में। हम लोग गांव से बेसिकली बिलोंग करते हैं, तो हमारा घर का रौनक ना पेड़ पौधे से ही दिखता है, देखो छोटा छोटा पेड़ है, गागर का है, अनार का है, तो बड़ा अच्छा लगता है, और गेरुआ रंग से रंगा हुआ है छठ पूजा को लेकर के, तो और भी ज़्यादा बेस्ट लग रहा है। बाकी इस ईंट को ना वहाँ पर शिफ्ट करेंगे दूसरे वाले घर में,
कुछ बनने वाला है, आप लोगों को जल्दी अपडेट मिलेगा। ये केरा गाइस छठ पूजा के लिए, छठ पूजा के लिए ना पापा, इसको तो रुके रुक जाए, गिर जाएगा रुके ना, पकड़ना होगा, रोकना पड़ेगा, रुके गाइस कैमरा बंद करते हैं। आप लोग देख सकते हो पापा जी केरा को काट दिए हैं, रहने दीजिए ना, ले चलेंगे, तोड़िए उसको, तो तोड़ दीजिए, रस गिर रहा है, कपड़ा पहने लग जाएगा, गंदा हो जाएगा, नीचे कर दे इसको। घर पे तो आ गए, इसको ज़मीन में नहीं रखना है, कोई साफ़ सुथरा जगह पे रखना होगा, नहीं तो गंदा हो जाएगा। मम्मी फिर डाल कहाँ रख दे, यहाँ पे, हाँ शुद्ध हो गया है। अब तुम बैठे इंतजार करो, ठीक है, हम देख रहे हैं वीडियो अपलोड हुआ कि नहीं, चेक करते हैं गाइस। 50% डाटा जो है ख़त्म हो गया है, पूरा अपलोड हो गया, थोड़ा सा बचा हुआ है, ये भी हो जाए। अभी जस्ट मैं सो करके उठा हूँ, काफ़ी ज़्यादा थक जाते हैं आजकल व्लॉग करते हुए, क्योंकि जिम को लेकर के वर्कआउट करना है, शरीर को लेकर के थोड़ा हेल्दी भी बनना है, पेट वेट की वजह से ना खाना खाते हैं तो वहीं पड़ जाते हैं, तो ये आलसपन अच्छा नहीं है, घर में कुछ जुगाड़ सोच रहे कुछ करने का। बाकी फिलहाल पापा जी जो अगले साल में जो दिवाली में हम लाए थे ताड़, वो कटा फटा उनको बढ़िया तरीके से जोड़ जा रहे क्या पापा, उसी में लगा दीजिए अगर लग जाएगा तो साइड साइड से ना। और सुहानी बहन का आज तबीयत ख़राब है, सुहानी क्या हुआ बुआ, तबीयत इसका ठीक नहीं है, अभी आराम करके आई है, कुछ खाना है तुमको, कुछ खाने का मन नहीं है, जाएंगे फुचका, फुचका खाएगी पापा, अच्छा ठीक है हम ला देंगे। बाकी पापा जी आज एक अनोखा काम कर दिए, मम्मी को ये काम करना चाहिए था, खुद फटक के ना सारा कुछ सूप में रख दिए, बताइए कितना अच्छा काम किया, आप ही फट गया ना पापा। अभी आई है मम्मी जी, सब उठ गया है, छोरी छोरा सब उठ गया है, आप कहाँ गई थी, बाजार गई थी, मिट्टी लगा के आई है, मिट्टी नहीं लगाई है, आँख बनवाई, आँख करवा के आई है, अच्छा ठीक है, अच्छा सुहाने के लिए कुछ नहीं है, इसलिए भागी है रूठ करके, अब तो नया कपड़ा खरीदा गया, अब तो नहीं पिगी बैंक आ गया, उसमें 50-60 रुपया होगा जरूर, अब मैगी रोज रोज आता है फिर भी मुंह फुला के रखती है, लो भैया सब देख रहे हैं, फेंकना नहीं, पूजा का चीज है, पूजा का चीज है, पकड़ो, गुस्सा नहीं करते, गलत बात तुम ऐसे गुस्सा करो, क्या सीखेंगे सब लोग व्लॉग में, अरे वो पहनने वाला है कान में के बनी, बढ़िया तो लग रहा है, सूट सलवार पे अच्छा लगेगा, ठीक था बढ़िया तो लग रहा है, अम्मी मार्केट जाए पापा को लेके, पापा मिल करके गेहूँ को रख रहे हैं, छठ पूजा की फुल तैयारी में लगे हुए मम्मी पापा, और सुहाने को जींस चाहिए तो हमको चुपके से बोले हमको जींस खरीद दीजिएगा, तो पैसा रहेगा तब ना खरीदेंगे हम, पापा जी का नया टेक्निक, लेडीज का सब काम करते हैं, तो पापा रेडी हो गए, हम भी रेडी हो चुके हैं, अभी जा रहे हैं मार्केट पापा जी का कपड़ा नपाने के लिए, कपड़ा कैसा देखे पापा दिखाइए, तो बल्लभ कहा ले जा रहे हो, बल्लभ कोई काम है उसको वहाँ, यहाँ भी हो जाएगा चेक, वो ठीक है, वो खराब नहीं हुआ था, यहाँ पे है, चलिए ठीक, मिलते हैं गाइस आप लोग से दर्जी भैया की दुकान पे, अभी आ चुके हैं भैया जी की दुकान पे, इनका भी नाम राजा है, मेरा भी नाम राजा है, अभी आप यूट्यूब चैनल पे आ रहे हैं, पहले कैसा वीडियो बनाते थे आपको पता है ना, डांस वंस करते थे कॉमेडी वीडियो ना, तो काफ़ी दिन बाद इनको दुकान पे देखे हैं, तो सोचे पापा को यहीं पे ले आते हैं, नापा जोखी हो जाएगा आराम से कपड़ा का, तो जितना जल्दी हो सकेगा ना भैया उतना जल्दी कर दीजिए, है ना, हाँ आप लोग भी आ रहे हैं, ठीक दर्जी की दुकान से भी आ चुके हैं, पापा जी का कपड़ा नपा के, अभी थोड़ा बाल बाल कटवा लेंगे, पापा दाढ़ी उड़े
बहुत पुराने हैं, जब हम थोड़ा फैशन वाला बाल रखते थे, है ना भैया जी, तब आते थे आपके यहाँ बाल कटवाने के लिए, हमको याद है, जब बहुत छोटे थे हम उस टाइम। हाँ उस टाइम नया नया आप खुलवे किए थे, बाल भी अच्छा काटते हैं ये। पापा जी का हेयर कटिंग कटवा दिए, कपड़ा वगैरह था वो भी नपवा दिए, छठ पूजा में आराम से आ जाएगा पहनेंगे मस्त। अभी लेना है कार्बेट कीरा पकाने के लिए। अच्छा भैया क्या क्या चीज़ पकता है, इसे कौन कौन सा फल पक जाता है? सब फल पक जाता है, आम केला उला सब, ऑलवेज सब पक जाता है ना। अभी घर पे पहुँचे हैं, कार्बेट सुहानी के लिए गोलगप्पा पैक करवा लिए हैं और पापा का पूरा बाल वाल कटवा लिए, पापा का पूरा बाल कटवा दिए। कमेंट करके बताइए कैसे लग रहे हैं पापा। और अभी खाना वाना मस्त बनेगा, व्लॉग को भी एंड करना, इतना थक जाते हैं ना बाइक का राइडिंग, समझो कि इस बाइक को चलाने में, इसमें ब्रेक भी ख़राब हो गया है और डिक्की भी ख़राब है, इसका पूरा सर्विसिंग है ना पापा, तभी जाके सही चल पाएगा, नहीं तो फिर प्रॉब्लम करेगा। यहाँ भी टूट गया ये देखिए साइड से, इसको भी चेंज कराना होगा, ऐसे बाइक का हालात हो गया है। ठीक है जाओ ऊपर जाओ। हेलो मम्मी है ऊपर? जैसे घर पे पहुँचे, मम्मी जी का भी तबीयत ठीक नहीं। मम्मी क्या हुआ? मम्मी बुखार जैसे हो गया ना, चूल्हा बनाने से हुआ ना ऐसे? मम्मी की बुखार लगा हुआ है? मम्मी दो दो ला ला, एक दो खिला दो मम्मी, ले ना। खाए ठीक हो जाएगा। पानी गिरे पानी गिरे पानी भैया, पूरा पूरा पूरा। और हम नहीं खाएंगे, हम नहीं खाएंगे, अभी मत दो हमको, क्योंकि कमर खट्टा खाने से प्रॉब्लम हो जाएगा, तुम खा। पूरा दिन मम्मी काम वाम करती रहती है ना, वो थोड़ा चूल्हा उल्हा का लिपा पोती के पानी की वजह से तबीयत खराब हो गया। मम्मी का देखिए क्या एकदम सीरियस कंडीशन हो जाता है मम्मी को, थोड़ा सा भी क्योंकि कमर में भी प्रॉब्लम है मम्मी को, इस वजह से मतलब अब दिया। प्यारी बहन सुहानी आज हमारे लिए पता है क्या बनाई है? देखिए इधर बिस्किट रख दी है, खुशू दी दाल मोट भेजी उसको रख दी है, कुरकुरा सानी। थैंक यू सिस्टर। इसके लिए गोलगप्पा लाए तो इतना मेरे लिए सेवा की है, गोलगप्पा का बदला है नहीं? वाह के ब्लॉग के लिए इतने। बिहार समस्तीपुर से देख रहे पूरा फुल सपोर्ट कीजिए, अदर स्टेट से देख रहे पूरा पूरा फुल सपोर्ट कीजिए, बगल में इंस्टाग्राम पर जाकर के फॉलो कर लीजिए। गाइज आप लोग से सजेशन लेना है कि एक से दो महीने के अंदर में ऐसा हो रहा है हमारे घर में ना कि अचानक से तबीयत खराब हो जाता है और डॉक्टर के पास अगर किसी को भी, जैसे पापा को हो गया, मम्मी को हो गया, आपकी छोटी बहन सुहानी को, रागनी सिस्टर रहती थी उनके भी, और मेरे साथ भी ऐसा हो जाता है। होता ही है कि बगैर मतलब पूरे शरीर में पूरे बदन में दर्द होने लगता है, ऐसा लगता है कि पूरा दिन सोए रहे कोई काम ही ना करे, या फिर छोटा मोटा कोई काम करते हैं तो भाई अगर हाँ सर्दी बुखार है, या फिर डॉक्टर के पास भी जाते हैं दिखाने के लिए तो डॉक्टर साहब भी बोलते हैं बिल्कुल ठीक है, इनको ना बुखार है ना जार है, कुछ भी नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो ऐसा कुछ समझ ही में नहीं आ रहा है कि घर में हो क्या रहा है भाई। तो हमने सोचा कि अपने यूट्यूब फैमिली को बता दें, क्योंकि गाइस ये बात सीरियस है, अगर काफ़ी सारे भैया को हम बताएंगे तो ये चीज़ मजाक मिलेगा कि ऐसा कुछ होता थोड़ी है, ऐसा हो रहा है। क्योंकि कल परसों में मेरा ही तबीयत ठीक नहीं था, ऐसा लग रहा था पूरा बदन टूट गया, मन नहीं करता उठने का, ब्लॉग करने का, ऐसा इस तरीके से मन हो गया था। और उसके बाद फिर रात में मम्मी के साथ में हो गया, फिर सुहानी के साथ में, आपने देखा होगा लगातार सुहानी के साथ में हुआ, फिर मम्मी के साथ में हो गया, फिर कुछ दिन बाद पापा के साथ में हो जाता है, ऐसा पता नहीं क्यों होता रहता है। हम बड़े कन्फ्यूजन में जी रहे कि भाई हो क्या रहे पूरे घर में, और हम लोग जाते हैं डॉक्टर के पास जाते हैं, भैया लोग को दिखाते हैं कि भाई हुआ क्या है, जाँच वगैरह करवाते हैं, तो वो सीधे बोलते हैं कि कुछ नहीं हुआ है, शरीर में थोड़ा सा दर्द है, बीमारी का कोई पता ही नहीं चलता। तो ऐसा क्यों हो रहा है, भगवान जी सब कुछ ठीक कर दे, आप लोग भी दुआ करो कि मेरे फैमिली बढ़िया से रहे। और मुझे पता है कुछ चीज़ें का अंदेशा है, आभास भी होता रहता है, बट वो चीज़ें मैं व्लॉग में अभी रिवील नहीं करूंगा, आने वाला टाइम में जरूर रिवील करूंगा, क्योंकि अपडेट देना अपने फैमिली को जरूरी है, क्योंकि
कहते हैं ना कि अगर इंसान को अगर सामने से नहीं मार पाते हैं तो शायद ऐसा भी किया जाता है इस तरीके से, शायद आप लोग समझ सकते हो। बोलना जरूरी नहीं है ब्लॉग में, क्योंकि हम एक ब्लॉगर है और ये सब चीज़ों को हम प्रमोट नहीं करते या फिर मैसेजेस में ये नहीं बताते कि ऐसा चीज़ें भी होती भी है, ऐसे लोग परेशान भी करते, तो कोई बात नहीं, होता रहता है लाइफ में। बगल में इंस्टाग्राम में जाकर फॉलो कर लीजिए, थोड़ा कमेंट करके सजेशन बताइए अगर किन्हीं को आभास हो रहा हो ये बातें जो मैं कहना चाह रहा हूँ, अभी खुल के नहीं बोल रहा हूँ, अगर किन्हीं को आभास हो रहा है कि हाँ मैं कहना क्या चाह रहा हूँ तो इंस्टा पे आके मैसेजेस करें, अगर उनके पास कोई समस्या का हल है तो बताइए जरूर, क्योंकि दवा हम लोग खाका के परेशान हो गए, दवा घर में आता रहता, दवा घर में पत्तिया का पत्तिया पड़ा रहता है, खाते कोई फर्क नहीं पड़ता, मालूम नहीं पड़ता कि क्या बीमारी है। ऐसे एक साल पहले भी हुआ था, मम्मी जी यहाँ पे जो है गिर गई थी, ये करंट लग गया था यहाँ से, ये बटन खराब था, मम्मी ऐसे टिपी ना तो ये भीगा हुआ हाथ था तो गिर गया, गिरने के बाद यहाँ चोट लगा, चोट लगने के बाद क्या हुआ कि मम्मी का जो है ना हड्डी फ्रैक्चर बताया गया, सब कुछ इलाज वगैरह करवाया गया, ठीक है, फिर उसके बाद अचानक से और ज़्यादा दर्द बढ़ गया, तो फिर उस दर्द के बारे में पता किया तो बोला कुछ है ही नहीं ऐसा शरीर में, सिर्फ हल्का फुल्का नस वगैरह दबा हुआ है तो वो सब ठीक हो जाएगा, दवा खाइएगा, तो मतलब बहुत प्रॉब्लम ऐसा होता रहता है हमारे घर में, तो हम इग्नोर करते, चलो कोई बात नहीं, फिर अपने यूट्यूब फैन उसको बताना जरूरी, तो बस आप लोग जरा सजेशन दीजिए और चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए, ये सब लाइफ में होता रहता है, बस 3 लाख कंप्लीट करा दीजिए जल्दी, और चैनल का थोड़ा सा कंडीशन सुधर रहा है आप लोगों की वजह से, थैंक यू सो मच, ऐसे प्यार देते रहो, आगे बढ़ाते हो, लव यू ऑल। यूट्यूब फैमिली राजा ब्लॉग की कुछ अलग आने वाला है, एक एल्बम म्यूजिक सॉन्ग भी आने वाला है कुछ दिन के बाद, उस चीज़ का तैयारी भी चल रहा है, अपना कीमती वक्त निकाल के मेरा ब्लॉग को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।